हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, एक्सपीरियंस 5 इयर्स। आपके जो नया सिलेबस चल रहा था 11th क्लास का एनसीईआरटी, जो इसी साल से दोबारा प्रारंभ किया था, ये सिलेबस आपका 2011-12 में चलता था, ठीक है, 11-12 में वही एनसीईआरटी सिलेबस था। इस सिलेबस का थोड़ा चेंजेस करके अब दोबारा से आपके लिए लाया गया, ठीक है। पहले आप बीच में क्या कौन सा हो गया था, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस अलग आया था, थोड़ा सा ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन का ज़्यादा महत्व है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इसमें जितने आप न्यूमेरिकल यानी क्या रखोगे, यानी कहने का मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे, वो आगे जाके आपको उतने ही बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। तो आपका फिजिक्स का लेसन नंबर 1 ही मैंने स्टार्ट किया था, भौतिक जगत उसके यानी फिजिक्स के बारे में जो बेसिक था उसके बारे में मैंने कुछ बता दिया था। अपना जो शुरुआत था वो मैंने स्टार्ट किया था भौतिक राशि, कौन सी राशियाँ, भौतिक राशि, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। भौतिक राशि क्या होती हैं कि वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सके कौन सी राशियाँ कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी दिए थे, द्रव्यमान को किस में, या तो केजी में या ग्राम में, इनमें मापा जा सकता है भाई। समय है, किस में मापा जा सकता है, सेकंड में, मिनट में, ठीक है, इनमें मापा जा सकता है। जैसे मान ली दूरी है, इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मापा जा सकता है। तो ये मापा और तोला जा सकता है, ये सब क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना कि मात्रक क्या होते हैं, ये तो हुई फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके बाद मात्रक यानी यूनिट्स, ये क्या होता है कि जिनकी सहायता से, लिख देता हूँ आपको, जिनमें या जिनकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा या तोला जाता है, भौतिक राशियों को मापा या तोला जाता है, यानी भौतिक राशियों को जिनमें मापा या तोला जाता है। जैसे द्रव्यमान है, किस में मापा, केजी में, तो भौतिक राशि कौन हुई, द्रव्यमान। भौतिक राशि क्या है आपकी, द्रव्यमान। किस में मापा, केजी में, तो ये क्या हुआ आप इसका मात्रक, क्या हुआ, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को जिनमें मापा या तोला जाता है वो क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपने लिखा कि द्रव्यमान बराबर 10 केजी, तो द्रव्यमान तो क्या हुआ, भौतिक राशि, क्या हुआ, भौतिक राशि। ये उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, यानी उसके परिमाण को बता रहा है कि उसकी मात्रा कितनी है, 10 है, क्या है, 10, और ये केजी क्या है, उसका मात्रक है, क्या है, मात्रक। परिमाण क्या होता है कि जो उसकी क्वांटिटी को बता, जैसे 5 मिनट है, तो 5 क्या है भाई, परिमाण है उसका। तो कोई भी भौतिक राशि परिमाण और मात्रक का गुणनफल होती है, कोई भी भौतिक राशि परिमाण और उसके मात्रक का गुणनफल होती है। जैसे मैंने कहा आपसे कि दूरी बराबर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, तो 15 तो क्या हो गया उसका परिमाण, किलोमीटर क्या हो गया उसका मात्रक, और दूरी क्या हो गई, भौतिक राशि, क्या हो गई, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि परिमाण और मात्रक का गुणनफल होती है, परिमाण तथा मात्रक का क्या होती है, गुणनफल होती है। मात्रक क्या होते हैं कि जिनमें भौतिक राशियों को मापा या तोला जाता है,
वो क्या कहलाते हैं आपके, मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। मात्रक आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, होने को तो तीन होते हैं लेकिन मेनली दो हैं। देखिए समझे, दो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए दो आपके होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मेनली तो तीन, मैं फिर कह रहा हूँ मात्रक मुख्यतः आपके दो हैं। एक तो है मूल मात्रक, क्या है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो है आपका पूरक मात्रक। क्या है पूरक मात्रक। मात्रक आपके मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक आपके सात होते हैं, वो मैं बताऊं कौन कौन से होते हैं। मूल राशियों के जिन्हों यानी मूल राशियां जो होती हैं उनको जिनमें मापा जाता है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियां भी कितनी होती हैं, सात ही होती हैं। कितनी होती हैं, सात। दूसरा आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं वे मात्रक, जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, सहायता से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक सात होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं और पूरक मात्रक दो होते हैं। एक तो है आपका रेडियन, या तो आर डी से दर्शाएं या आर ए डी से दर्शाएं, जिसे यानी जो साधारण कोण, सिंपल कोण होता है कोण, और दूसरा होता है कोण को मापा जाता है स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन पूर्ण मात्रक है। एक होता है आपका घन कोण बोलें, इसे तो बोलते हैं समतल कोण जो साधा सिंपल है, और घन कोण या ठोस कोण इसे मापा जाता है स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन, ठीक है। पूरक मात्रक दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसका मात्रक है, समतल कोण का। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, घन कोण या ठोस कोण का। तो कितने मात्रक कितने प्रकार के हुए आपके मुख्यतः, तीन प्रकार के हुए। कितने प्रकार के, तीन। मूल मात्रक जिनमें मूल राशियों को जिनमें मापा जाता है, मूल राशियां सात होती हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। पूरक मात्रक दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण को जिनमें मापा जाता है रेडियन, घन कोण या ठोस कोण को जिसमें मापा जाता है वो स्टेरेडियन। वो क्या है आपके, स्टेरेडियन। क्लियर है, तो मात्रक हुए। अब मूल मात्रक सात कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। मूल मात्रक सात कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, मूल मात्रक सात, मूल मात्रकों की बात करें तो देखिए मूल राशि और मूल मात्रक मैं बता रहा हूँ आपको। इधर मैं मान लेता हूँ मूल राशि, क्या है मूल राशि, और एक इधर क्या है मूल मात्रक, और इधर मैं मान लेता हूँ क्या लिख देता हूँ संकेत किस में दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो पहला है आपका लंबाई या द्रव्यमान, मान लीजिए क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं मास। मूल मात्रक होता है इसका किलोग्राम यानी केजी, यानी केजी, ठीक है। दूसरा है लंबाई, दूसरा क्या है लंबाई, इंग्लिश में क्या कहते हैं लेंथ, ठीक है, इसको एम से इसको एल से, लंबाई को नापते हैं मीटर में, किसमें मीटर में, एम स्मॉल एम, ठीक है। तीसरा है समय, समय को कहते हैं टाइम, इसको मापा जाएगा सेकंड में, एस या एस ई सी,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका ताप, क्या है ताप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर, इसको मापा जाएगा केल्विन में, किस में मापा जाएगा, केल्विन में, के। नेक्स्ट क्या है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मापा जाएगा एम्पियर में, किस में मापा जाएगा, एम्पियर में, ए या ए एम पी। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको मापा जाएगा कैंडेला, कैंडेला सी डी। और लास्ट है सातवां, वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक होगा मोल, एम ओ एल, ध्यान रखना मोल को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, एम ओ एल ई, लेकिन प्रतीक चिन्ह होता है एम ओ एल। ये आपके साथ एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है, एक कौन सा बढ़ गया, अच्छा एक दो तीन चार पाँच छ और ये कितना हो गया सात। मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल ये तो क्या हो गई मूल राशियाँ सात, मूल मात्रक भी कितने हो गए सात, और ये इनके क्या हो गए सात ही क्या हो गए संकेत हो गए। अब इनकी सहायता से ये तो है, देखिए मूल राशि पहली है द्रव्यमान, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, द्रव्यमान इंग्लिश में कैसे मास दर्शाते हैं एम से, मूल मात्रक होता है इसका आपका किलोग्राम, दर्शाते हैं केजी से, किससे केजी से, लंबाई लेंथ कहते हैं इंग्लिश में मीटर, स्मॉल एम से दर्शाते हैं, समय टाइम दर्श के मूल मात्रक क्या हो गया सेकंड, एस या एसीसी, ताप टेम्परेचर केल्विन के, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए या एएमपी, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला इंटेंसिटी कैंडेला मापते हैं सीडी से दर्शाते हैं, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल एम ओ एल। ये आपके होते हैं मूल मात्रक सात, कितने मूल मात्रक होते हैं सात। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, किनकी सहायता से बनते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या है लंबाई है, किस में मापेंगे मीटर में और समय को सेकंड में, तो इसका चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है भाई, ये मूल मात्रक, मीटर भी मूल मात्रक है सेकंड भी मूल मात्रक है, इनकी सहायता से मिलाकर मीटर प्रति सेकंड बना, तो ये किसका मात्रक हो गया चाल का मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया चाल का। और नेक्स्ट क्या था आपका पूरक मात्रक, पूरक मात्रक मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, दो होते हैं, एक तो होता है आपका जो समतल कोण जिसको मापा जाता है, समतल कोण को किस में मापा जाएगा रेडियन में, और जो क्या होगा घन कोण बोले ठोस कोण बोले, ठीक है, इसको मापा जाएगा स्टेरेडियन में, किसमें स्टेरेडियन में, ये मैंने बता दिया। ये हुई आपकी मात्रकों की बात, किसकी बात मात्रकों की बात हुई, ठीक है। मात्रक तीन प्रकार के, मूल मात्रक सात होते हैं, कितने होते हैं सात, द्रव्यमान ये मूल राशि, द्रव्यमान लंबाई समय ताप विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सात मात्रा किलोग्राम मीटर सेकंड केल्विन एम्पियर कैंडेला और मोल। फिर से सुन लीजिए, मूल मात्रक सात, किलोग्राम किलोग्राम मीटर सेकंड केल्विन एम्पियर कैंडेला और मोल, ठीक है, संकेत के जी एम एस या एसी सी, केल्विन के, विद्युत धारा एम्पियर ए या एएमपी, कैंडेला सी डी और मोल एम ओ एल। व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक दो होते हैं, समतल कोण जिसको मापा जाता है स्टेरेडियन में, तो स्टेरेडियन पूरक मात्रक है, दूसरा घन कोण या ठोस कोण, इसको मापा जाता है आपका स्टेरेडियन में, ठीक है, जिसका मान आप बाद में देखोगे 720 डिग्री होता है यानी 4π होता है।
ये हुई मात्रा की बात। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, भौतिक राशि देखी जिनको मापा या तोला जा सके। भौतिक राशियों को जिनमें मापा या तो जाता है वो मात्रक कहलाते हैं। मात्रक तीन प्रकार के होते हैं, ये आपने पोर्शन देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रहेगी उनमें अपन इनको आगे बढ़ाते हुए आगे पद्धतियों का विश्लेषण करेंगे, विमा डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, उसको अपन आगे देखते जाएंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।